हेलो दोस्तों, देखो ये हमारे पास एक सेट है, टेकफ्ला का है ये और लोकल सेट है। और दोस्तों इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या पोजीशन है, इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है और स्लो मोशन भी दिखाई दे रहा है। देखो इसमें नो सिंगल लिखा हुआ आ रहा है, मगर किस तरीके से आ रहा है। अब दोस्तों इसको हम सही करना है तो कैसे करेंगे, इसको देखना है, पहले समझना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये फॉल्ट निकलेगा। और दोस्तों इसे पिक्चर भी देखता हूँ तो देखो पिक्चर कैसी पिक्चर बन रही होगी, पिक्चर भी देखो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है। मगर एक बार मैं इसे बंद करके सेट को इसे मेन लीड बंद निकालता हूँ और फिर दूसरे लगा के और दिखाता हूँ। देखो अभी आपको ये एक बार और देखने का मौका दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये समझने से ही आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ जा रहा है ये फॉल्ट। अगर इस तरीके से नहीं समझ पाओगे तो किसी भी तरीके से आपको ये सही भी नहीं कर पाओगे। देखने से ही पता लग जाना चाहिए कि हम ये फॉल्ट कहाँ जा रहा है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों देखो स्लो मोशन में चला गया। अब हमें इसे ठीक करना है तो किस तरीके से ठीक करेंगे, पहले हम आपको ये वोल्टेज चेक कराएंगे इसके, कहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों देखो हम अब वोल्टेज चेक करते हैं। देखो ये 12 वोल्ट हमारे 12 वोल्ट ये ओके। अब हम यहाँ देखेंगे 3.3 वोल्ट, ये को देखो यहाँ ये 3.3 वोल्ट भी हमारे मिल रहे हैं। अब हमें देखनी है ABDD, देखो ABDD यहाँ ABDD वोल्टेज भी नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहा होगा आपको ABDD वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। मगर ABDD नहीं मिलने के बाद पिक्चर फिर भी दिखाई दे रही है, देखो कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं 3.3 वोल्ट, और ये हमारे जो वोल्टेज मिल रहे हैं वही आ रहे हैं। और दोस्तों देखो अगर इस फॉल्ट को अगर सही से नहीं देख पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो ये माइनस वोल्टेज मिल रहे हैं जी 6.09, और यहाँ BGH वोल्टेज मिलने चाहिए, ये यहाँ नहीं है। तो हम एक ऐसा तरीका यूज करेंगे कि आप इस तरीके से भी सेट को चालू कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगा और अलग तरीका जो सबसे अलग होगा वो मेरा। देखो दोस्तों ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, अब ये हमें इसको लगाएंगे और इसको लगाने से आपको पता लग जाएगा कि हमारा ये सेट इसी से ओके हो जाएगा। आपको इसी से हम बताएंगे देखो किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से नहीं लगाना है, ये चालू इसी से हमें करना है ये सेट, तो ये किस तरीके से चालू करना है। और ये हमारा स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन नहीं है, ये स्टेप अप है। अगर आपको ये जब डालोगे तो ये स्टेप अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन तो वो काम नहीं करेगा, इस जगह पर अप ही काम करेगा, क्योंकि हमें इस जगह पर वोल्टेज ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा कहाँ से दोगे आप, तो इसलिए ये ज़्यादा की ज़रूरत यही कर सकता है केवल। मैं अब इसे लगा के देखता हूँ, ऑफ करते हैं, इसके बाद में मैं इसे वोल्टेज दूंगा, पहले सप्लाई वोल्टेज। और दोस्तों देखो ये हमने यहाँ इसको 12 वोल्ट दे दिया गया, इसको इस मॉड्यूल को 12 वोल्ट हमने माइनस माइनस में और प्लस प्लस पे यहाँ दे दिया है। अब हमें इससे जो वोल्टेज बढ़ के लेनी है वो हमने इस प्रीसेट को सेट करना है, और सेट करने के से पता लगेगा कि कितने वोल्टेज निकलते हैं। अब मैं देखो पहले वोल्टेज क्लियर करूँगा इसके, दोस्तों इसके वोल्टेज ज़्यादा ही निकल रहे हैं, देखो ये 20 वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। और वैसे हमें 20 से 25, 24, 22 जो भी वोल्टेज मिल जाएंगे इतने से ही काम हो जाएगा। मैं इतने ही लगा के देखूंगा, उससे आगे ज़्यादा बेकार है तो नुकसान भी हो सकता है। पहले मैं 20 वोल्ट से ही इसे देखूंगा कि हमारा सेट चालू हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमारा काम कर रहा है,
देखो हमने ये इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं। देखो हमने ये 12 वोल्ट माइनस यहाँ इसको दे दिए हैं, और यहाँ से हमने 20 वोल्ट जो लेने थे वो ये लेकर के, देखो यहाँ हमने जो BGH वोल्टेज हैं वो उस जगह पे हमने ये दे दिए हैं। और हमें इसे अब चेक करते हैं कि हमारा सेट क्या कर रहा है, और चालू हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों चेक करते हैं, भैया ये कहाँ है। देखो दोस्तों सेट एकदम मस्त हमारा पहले जैसे ही स्टार्ट हो गया है, और देखो यहाँ ये भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं पिक्चर भी दिखाता हूँ, देखो पिक्चर कैसी आ रही है इसकी। देखो दोस्तों अभी पिक्चर थोड़ी ऐसी लग रही है कि थोड़ी थोड़ी रुक के चल रही है। वो क्यों चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें वोल्टेज थोड़े से कम मिल रहे हैं, मगर ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सही चल रही है पिक्चर। देखो